हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज हम शुरू करेंगे शब्द विचार में पार्ट नंबर 3। और उसमें जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था, शब्द विचार में उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों की रचना पढ़ ली थी। और उसके बाद में अभी 2 नंबर है, वो रचना के आधार पर है, वो शब्द विचार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं शब्द विचार। अब इसमें अभी हम पढ़ेंगे, और अब शुरू करने से पहले वीडियो के अंत में जो हमने कल पढ़ा था उससे संबंधित 2 प्रश्न है, वो मैं आपके वीडियो के अंत में पूछूंगा। तो बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए और अंत में उस प्रश्न को सुनकर जाइए, और उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। शुरू करते हैं रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। रचना के आधार पर शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, यानी रचना के आधार। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द आपके, दूसरा है यौगिक शब्द, और 3 नंबर आता है योग रूढ़ शब्द। पहला देख लेते हैं रूढ़ शब्द। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए बहुत समय से प्रयुक्त होने के कारण किसी अपने विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। अर्थात जब तक उन शब्दों को नहीं बोला जाता है, हमें सामने वाली वस्तु के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं होता है। जैसे सीधी भाषा में अगर देखा जाए तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द होते हैं, और वो अपनी पहचान के लिए विशिष्ट होते हैं, और जब वो प्रयुक्त होते हैं तो उसी संदर्भ में उनका है वो, उनकी पहचान होती है। तो रूढ़ शब्द जैसे जल है, कहने का तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों में संधि होती है वे शब्द रूढ़ नहीं होते हैं। जिन शब्दों से संधि होती है, जो शब्द प्रत्यय से होते हैं निर्मित, वे शब्द रूढ़ नहीं होते हैं। जिनमें उपसर्ग लगता है वे शब्द रूढ़ नहीं होते हैं। रूढ़ अपने आप में अकेला एकमात्र स्वतंत्र शब्द होता है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे जल शब्द है, तो जल के हम टुकड़े करेंगे तो क्या बचेगा पीछे? ज बचेगा, इधर ल बचेगा, इधर ल बचेगा, इधर ज बचेगा। तो क्या इनका अलग से कुछ अर्थ निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता। जैसे दूध है, तो दूध को हम अगर अलग करते हैं तो इधर ध बचता है, इधर दू बचता है, इनका कोई अलग अर्थ नहीं है। तो सीधी भाषा में अगर कहें तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और वो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु आदि के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण अपना विशिष्ट अर्थ देने में प्रचलित हो गए हैं, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। तो देखते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से योग से बने। जैसे दो शब्द है, जैसे ये विद्या है और ये आलय है, ये दो शब्द हो गए। तो परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। अब इनका दोनों का अलग अलग अर्थ है। विद्या का अर्थ ज्ञान से है और आलय का अर्थ घर से है। इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। आगे क्या कहते हैं? किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब विद्यालय शब्द था, तो विद्या अर्थात ज्ञान,
और आलय अर्थात घर। अर्थात अब ये क्या कर रहे हैं, इनका दोनों का अपना स्वतंत्र अलग अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसके बाद भी ये इन्हीं से संबंधित अपना एक सम्मिलित अर्थ देते हैं, जिसका मतलब होता है ज्ञान का घर। तो परिभाषा के अनुसार वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और उनका अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु जब वे मिलते हैं तो मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, वे यौगिक शब्द होते हैं। यानी जब ये जुड़ने के बाद में जब इनका अर्थ निकलता है तो जुड़ने से पहले जो दो शब्द बने थे, जो दो शब्द थे उनका अलग अलग जिस संदर्भ में अर्थ आ रहा था, जुड़ने के बाद में भी एक शब्द जब बन जाता है तो उसका भी अर्थ उन दो शब्दों के समान ही बनता है, तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग प्लस योगधन एक, इसमें विद्यालय है, प्रेम सागर है, प्रतिदिन है, राष्ट्रपति है, महर्षि है, कृष्णार्पण है, चिड़ीमार है इत्यादि, ये सारे शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में है योगरूट शब्द। योगरूट जब तोड़ते हैं तो कुछ इस तरह से शब्द ये इसका निर्माण हुआ, योगधन रूट। योगरूट यानी योग, रूट यानी वही शब्द जिनके वो टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी ऐसे शब्द जिनके वो अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते लेकिन उनके साथ में ऐसा शब्द जुड़ गया है जिससे उनका अन्य अर्थ निकलता हो। योगरूट में देखते हैं वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें जैसे पीतंबर है तो पीतंबर में पीत और अंबर के योग से बना है, पीत अर्थात पीला और अंबर अर्थात वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात ये विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है, ये विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। तो फिर आगे दशानन है, जैसे दस है, दस और आनंद के योग से बना है, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण के लिए ये रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार जैसे हिमालय है और जलज है, जलज मतलब अर्थात जल में जन्म लेने वाला, कमल के लिए ये रूढ़ हो गया है। जलद जलज, फिर जलद है, जल द जल देने वाला, ये बादल के लिए रूढ़ हो गया है। गजानन गज है, गज का है जो आनन अर्थात गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। त्रिनेत्र ये शिवजी के लिए रूढ़ हो गया है। इसकी पहचान होती है कि इसमें बहुव्रीहि समास होता है, यानी योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें बहुव्रीहि समास होता है, या बहुव्रीहि समास के अंदर योगरूढ़ शब्द होते हैं। बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, और कल के वीडियो से आपके लिए दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आपको बताना है कि साई शब्द है वो किस भाषा का है, और दूसरा है रिक्शा शब्द किस भाषा का है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।